हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं मांग की कीमत लोच। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक टॉपिक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन का उस वस्तु की मांग की मात्रा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या पड़ा है उसको मापती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो उसकी डिमांड कितनी कम हो गई, एक वस्तु की कीमत घटी तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये मांग की कीमत लोच में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस धारणा को विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को दिया जाता है, जिसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखिएगा पुस्तक इंपॉर्टेंट है, में द इलास्टिसिटी ऑफ वॉन्ट्स नामक अध्याय में तर्कसंगत वर्णन किया है। तो इसका वर्णन तर्कसंगत किया है प्रोफेसर मार्शल ने, हवा हवाई बात नहीं की है, तर्क के साथ बताया है। अब हम देखते हैं मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होता है। तो ये रहा मांग की कीमत लोच का सूत्र, ईपी। यहाँ पर पी फॉर प्राइस है, ई फॉर इलास्टिसिटी, यानी उल्टा लिखा हुआ है। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे लिखेंगे, ई पहले लिखेंगे पी बाद में। तो क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको आप डिवाइड कर देंगे, आपका ईपी निकल करके आ जाएगा।